दोस्तों, जब हम टेली सॉफ्टवेयर में बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं तो हम बैंक का नाम लिखने के बाद इंटर प्रेस करते हैं और हम आते हैं अंडर पे। अब अंडर पे आने के बाद हमें इस बैंक लेजर के लिए ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है। और ग्रुप्स का सिलेक्शन करने के लिए जैसे हम अंडर में बैंक टाइप करते हैं तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में ये बैंक से रिलेटेड जो ग्रुप है ये तीन लेजर हाईलाइट हो जाते हैं। इसमें बैंक अकाउंट्स भी है, बैंक OCC अकाउंट है, एक बैंक OD अकाउंट है। तो दोस्तों, ये अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आके कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है भी जो मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका सिलेक्शन अब मैं बैंक अकाउंट्स करूँ या फिर बैंक OCC अकाउंट करूँ या OD अकाउंट करूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ग्रुप्स के बारे में डिटेल के साथ समझेंगे, सिंपल तरीके में, सिंपल भाषा में इसको समझेंगे भी हमें बैंक अकाउंट्स का जो ग्रुप है वो कौन से बैंक लेजर के साथ करना चाहिए, OCC अकाउंट का मतलब क्या होता है, OD अकाउंट का मतलब क्या होता है, इस बात को हम प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग RSNR के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लिस्ट ऑफ ग्रुप में से पहला ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट का यूज हम कब यूज करते हैं, कौन से लेजर के साथ यूज करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हम सिंपल भाषा में बात करेंगे, कोई टेक्निकल हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, कोई नहीं आपको कुछ ज्यादा डीपली इसमें लेके जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको सारी बातें सारी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं पॉइंट पे। तो दोस्तों, जो पहला ग्रुप आ रहा है बैंक अकाउंट का, अब बैंक अकाउंट का यूज हम दो लेजर के साथ कर सकते हैं। पहला भी हमने बैंक में एक पर्सनली यानी कि प्रोपराइटर के नाम से इंडिविजुअली अकाउंट ओपन करवाया है, जिसे हम सेविंग अकाउंट बोल देते हैं, बचत खाता। अगर हम बचत खाता हमने बैंक में ओपन करवाया है और उसका लेजर हम हमारे टेली सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं तो उसका जो सिलेक्शन है ग्रुप का वो बैंक अकाउंट रखेंगे। या फिर हमारे जो बिजनेस को जो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड है, अब कंपनी का मतलब जो हमारी शॉप है, जैसे कि हमारी ये जो शॉप है वो स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से है, अगर हमने बैंक में स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से अकाउंट ओपन करवाया है तो ये हमारे लिए करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे टेली सॉफ्टवेयर में तो हम इस बैंक अकाउंट के सिलेक्शन करेंगे, इसका पहले वाले ऑप्शन का। तो दोस्तों, अब मान लीजिए हमने जो लेजर क्रिएट करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा पर्सनल अकाउंट यानी कि बचत खाता भी है, सेविंग अकाउंट भी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारे फर्म का करंट अकाउंट भी है, तो हमें लेजर किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए वो भी हम सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, तो हम जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखेंगे तो आगे इसके ब्रैकेट के साथ हम हिंट भी इसको दे देंगे सेविंग की, और जो सेविंग अकाउंट का जो नंबर है उसके जो लास्ट के जो दो या तीन या चार डिजिट होते हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ताकि हम लेजर सिलेक्शन करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। तो हम इस लेजर को इस तरीके से यूज करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग 6548, यानी कि हमने अकाउंट के लास्ट फोर डिजिट को जो साथ में लिख दिया, और इसका जो सिलेक्शन हम करेंगे बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक से डिटेल संबंधित, तो वो भी हम यहाँ पर टाइप करके और इस विंडो को मैं करूँगा सेव। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने करंट अकाउंट भी ओपन करवाया है तो उसका लेजर भी हम बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके आगे हम यहाँ पे हिंट दे देंगे करंट अकाउंट का, और करंट अकाउंट का लिखने के बाद में इसकी जो करंट अकाउंट है इसका जो लास्ट का जो फोर डिजिट है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, और इसका जो हम लेजर इस तरीके से क्रिएट कर देंगे करंट अकाउंट का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट 6325, यानी कि लास्ट के चार डिजिट, और इसका जो ग्रुप सिलेक्शन करेंगे वो भी हम बैंक अकाउंट करेंगे। तो दोस्तों, इन दो लेजर का तो यूज हम करते हैं बैंक अकाउंट का, अदरवाइज हम जैसे हमने बैंक में कोई FD जमा करवाई है, FD हमने बैंक में करवाई है तो उसका भी लेजर हम बैंक अकाउंट करवा सकते हैं, अदरवाइज हम ज्यादातर उसका जो ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट देते हैं। अब जो मेन टॉपिक रहेगा बैंक OCC अकाउंट और बैंक OD अकाउंट, अब इन दोनों ग्रुप का यूज हम कौन से लेजर के साथ करते हैं। तो दोस्तों, बैंक OCC अकाउंट, अब OCC का पूरा नाम हो गया ओपन कैश क्रेडिट, और एक आता है बैंक OD अकाउंट, अब OD का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों, ये दोनों कंडीशन में
लोन अकाउंट होते हैं, यानी कि जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो हम ओडी अकाउंट के रूप में भी ले सकते हैं, ओके, ओसीसी अकाउंट के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो दोनों अकाउंट में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसी वीडियो में आज हम इन दोनों ओसीसी और ओडी अकाउंट के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों बात करें ओसीसी अकाउंट की, तो ओसीसी अकाउंट में आपको, अब मान लीजिए आपके पास बिजनेस है और आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा अभी आपके पास है नहीं, तो आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, तो बैंक बोलेगा भी जितने की आपको, मान लीजिए आपको कि 10 लाख रुपए की आपको रिक्वायरमेंट है, अब बैंक बोलेगा भी हम 10 लाख रुपए आपको दे तो देंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमारे पास एज ए सिक्योरिटी के रूप में आप हमें क्या दोगे। तो अब मान लीजिए आपके पास जो आपका दुकान है वो आपकी खुद की है, या फिर आपका जो मकान है वो आपके खुद का है, तो आपको उस मकान का या फिर उस दुकान का जो प्रॉपर्टीज के कागज हैं वो आपको बैंक को देने पड़ेंगे। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें जो लोन मिलता है वो हमारा ओसीसी अकाउंट होता है, अगर सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आप इसके अंदर आपने जो अपने मकान के कागज बैंक में गिरवी रखे हो या फिर दुकान के कागज गिरवी में रखे हो तो आपको बैंक लोन दे देता है। अब जो लोन देने की प्रक्रिया है वो अलग अलग बैंकों का एक अलग अलग शेड्यूल होता है। अब कोई मान लीजिए आपकी जो मकान की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए की है, मार्केट वैल्यू उसकी, तो बैंक डिपेंड करता है उस 10 लाख पे आपको 80% लोन दे, 95% दे, 90% दे, 75% दे, तो ये सभी अलग अलग बैंकों का एक अलग अलग शेड्यूल पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो इसका मतलब अगर हमने कोई लोन लिया है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसका जब हम लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन लिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके आगे हम यहां पर लिख देंगे ये, इसको हम रूटीन में बोलते हैं सीसी लिमिट, यानी कि एक तरीके का ये लिमिट होती है जो हमारे कैपिटल पे डिपेंड करती है, कैपिटल वर्किंग पर। अब मान लीजिए आपका जो बिजनेस है आपको रूटीन में रनिंग लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है तो पैसे की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो जैसे जैसे आपके पास पैसा आता रहेगा वैसे वैसे आप बैंक में डिपॉजिट करवाते रहोगे, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी बैंक से आप पैसा विड्रॉल करते रहोगे, तो ये सारी प्रक्रिया आपकी इस ओसीसी अकाउंट में चलती रहती है। आपने जो भी सेल किया, जो आपके पास पैसा आया आपने बैंक में सीसी लिमिट में वापस जमा करवा दिया, तो जरूरत पड़ी तो वहां से आपने पार्टियों को चेक भी पास करवा दिया, तो इस तरीके से प्रक्रिया पूरे जो कंटिन्यू वर्किंग के टाइम में चलती रहती है। तो ये सारा आपके कैपिटल वर्किंग पर भी डिपेंड करता है। तो अब इसका जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सीसी लिमिट पे, और इस पर हम एंटर करेंगे। अब इसमें से हम यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक ओसीसी अकाउंट। तो दोस्तों वैसे तो होता क्या है भी जो हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो हमें लोन मिलता है बैंक का उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट हमारी बुक्स में की बनती है तो जो हमारी लायबिलिटी साइड में जो लोन का जो हेड बनता है वो सिक्योर्ड लोन रहता है। लेकिन अब सिक्योर्ड लोन हम यहाँ पर क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा भी सिक्योर्ड लोन हम यहाँ पर क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, होता रियलिटी में सिक्योर्ड लोन ही है क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन हमें मिल रहा है। तो अब एक बार इसको आपको मैं बैंक ओसीसी अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को करूँगा एक्सेप्ट। अब बारी आती है हमारी बैंक ओडी अकाउंट की। अब ओडी अकाउंट का मतलब ओवरड्राफ्ट। अब जो ओवरड्राफ्ट का होता है ये आपको दो तरीके से लोन मिलता है। पहला लोन, अब मान लीजिए आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है और आप काफ़ी लंबे टाइम से करंट अकाउंट को यूज़ कर रहे हो, अच्छी तरीके से करंट अकाउंट को आप मेंटेन भी कर रहे हो, तो बैंक आपके इसी व्यापार आपको एक अलग से एक सुविधा दे देता है भी अगर आपको 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये की जरूरत अलग से और पड़ती है तो आप हम आपको एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देंगे। मान लीजिए जैसे आपके पास करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट का आपका एनी टाइम जो बैलेंस है वहाँ पर 10 से 15 लाख रुपये मेंटेन रहता है। मान लीजिए आपको किसी दिन 20 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी तो बैंक आपको आपके जो करंट अकाउंट है उसी के ब्याज पर उसी के व्यवहार को देखते हुए आपको अलग से 5 लाख रुपए की एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, हालांकि उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तो एक सुविधा तो मिलती है ये, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है स्टॉक के अगेंस्ट में, एफडी के अगेंस्ट में, या कोई भी हम असेस्ट जो रखते हैं उसके अगेंस्ट में अगर हमें लोन मिलता हो। अब मान लीजिए अब ओडी अकाउंट का सबसे ज़्यादा जो यूज बिजनेस में करते हैं रियलिटी में वो करते हैं स्टॉक के अगेंस्ट में। अब मान लीजिए आपको बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए का स्टॉक परचेज करना है और उस स्टॉक को आपको स्टॉक में रखना है,
तो आपको पास जिस पार्टियों से आपने माल परचेज किया तो उनको तो पेमेंट आपको टाइम पर देनी पड़ेगी, लेकिन अब भी आपके पास 50 लाख रुपया है नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, भी हमें लोन चाहिए, हमने 50 लाख रुपये का स्टॉक किया है और जो स्टॉक हमने पार्टियों से परचेज किया उसका पैसा पार्टियों को पे करना है। तो बैंक आपको क्या करेगा, उस 50 लाख का जो भी आपकी वैल्यू बनी है तो उसकी जिस दिन आपका लोन देख रहा है उस दिन उस जो स्टॉक आपके पास पड़ा है यानी कि 50 लाख का जो स्टॉक आपने लिया है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगा भाई मार्केट वैल्यू उसकी आज के टाइम में क्या है। तो उस स्टॉक का भी आपको बैंक 80%, 75% या 85% तक लोन आपको दे देगा। जो स्टॉक रहेगा वो सारा का सारा बैंक अपने कवर में रखेगा। तो इसका मतलब जो सारा का सारा हमने स्टॉक हमने जो मार्केट से परचेज किया वो बैंक के अंडर में आ गया और बैंक हमें उसका पैसा दे देगा कुछ परसेंटेज काट के, और उस जो पैसा बैंक ने हमें दिया है उसका मार्केट में भुगतान कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उस स्टॉक को अब सेल आउट नहीं कर सकते, जैसे स्टॉक को सेल आउट हमें करना पड़ेगा तो सबसे पहले उस बैंक का जो हमने पैसा लिया हुआ है उसको विद इंटरेस्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम उस बैंक का सारा पैसा क्लियर कर देंगे, जितना पैसा हमने स्टॉक के अगेंस्ट में उठाया था प्लस उसका जितने मंथ हमने यूज़ किया है उसका ब्याज दोनों अमाउंट नेट अमाउंट क्लियर कर देंगे तो बैंक हमें एनओसी दे देगा और उस एनओसी के आधार पे सारा का सारा जो स्टॉक है वो हमारा अब हो चुका है। तो इसी तरीके से आप एफडी आपके पास है, अगर आप एफडी पे लोन लेना चाहो तो एफडी भी आप पैसा मिल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आप सैलरी पर्सन हो तो आप सैलरी पे अगर आप लोन लेना चाहो तो वो भी एक ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम कोई स्टॉक के अगेंस्ट में अगर कोई लोन लेते हैं तो वो एक हमारा ओवरड्राफ्ट होता है, और किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हमने जो लोन लिया है वो हमारा ओसीसी अकाउंट होता है। अब जैसे कि हम गोल्ड लोन लेते हैं, भी गोल्ड लोन हम गोल्ड लोन के लिए गोल्ड पे लोन मिलते हैं, मान लीजिए गोल्ड लोन की जो गोल्ड की वैल्यू है 40,000 रुपये है और उस पर हमें कुछ परसेंटेज काट के लोन मिलता है। अगर आपकी जो गोल्ड की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है मार्केट वैल्यू उसको, तो आपके लोन के अमाउंट भी आप बढ़वा सकते हो। जैसे लोन के अमाउंट अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है तो आपको जो डिफरेंस है वो साथ के साथ बैंक आपसे डिपॉजिट करवाता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बैंक ओसीसी और ओडी अकाउंट का जो लोन अकाउंट होता है उसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लेना।